नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस दिन से पटना में शुरू होगी जियो की ट्रू 5G सेवा। सर ने बताया क्यों है उनका ऑनलाइन क्लास इतना पॉपुलर। बिहार में अभी एक हफ्ते तक ठंड रहने के आसार। जातीय जनगणना का श्रेय लेने की मची होड़। सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 मैच में ही दे दी थी चेतावनी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। NIA ने बिहार में PFI के 4 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। बीते दिन शनिवार को NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा बिहार में गैर कानूनी व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जुड़े एक मामले में प्रतिबंधित समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PIA के 4 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 4 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है उनके नाम अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन खान, नरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नराउद्दीन और अरमान मल्लिक उर्फ इम्तियाज अनवर शामिल हैं। खान सर ने बताया क्यों है उनका ऑफलाइन क्लास इतना पॉपुलर। लोकप्रिय यूट्यूबर और दुनिया भर में खान सर के नाम से फेमस फैजल खान ने कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो में यह खुलासा करते हुए बताया कि आखिर उनके ऑनलाइन क्लास के पॉपुलर होने के पीछे की वजह क्या है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई छात्र पढ़ता है तो वह थक जाता है और फिर द कपिल शर्मा शो देखता है। शुरू में मुझे लगता था कि मैं उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनकी रुचि आपके शो में थी, इसलिए मैंने अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को नए आइडियाज के साथ पढ़ाना चालू किया, जिससे उनकी रुचि पढ़ाई में बनी रहती है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी टॉपिक को बोलचाल भाषा में समझा देता हूं ताकि उन्हें समझने में दिक्कत ना हो और उनकी रुचि भी बनी रहे। इस दिन से पटना में शुरू होगी जियो की ट्रू 5G सेवा। बिहार के वैसे लोग जो जियो यूजर हैं उनके लिए खुशखबरी है। बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर राज्य के अंदर पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में जियो ट्रू 5G सेवाओं की लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। वहीं अगर सिर्फ राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में जियो सर्विस सेवा की शुरुआत नगर निगम क्षेत्र पटना सिटी से लेकर दानापुर इलाके में होगी। इसके बाद राज्य के अन्य शहरों में 5G सर्विस का विस्तार किया जाएगा। राज्य में जियो ट्रू 5G सेवा की शुरुआत आने से अन्य विकास की संभावनाएं पैदा हो सकेंगे। तेजस्वी यादव ने जमकर लगाए चौके छक्के। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने पैरों में पैड बांधकर बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस वीडियो में काफी डिफेंस और अलग तरीके से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं और साथ ही एक से बढ़कर एक शॉट भी लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद उनके हर शॉट पर वहां खड़े उनके समर्थक तालियां बजा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार के युवा और होनहार खिलाड़ियों के साथ अभ्यास कर रहा हूं, अपने जुनून से प्यार करो, अपने उद्देश्य को जियो। वही इनके पोस्ट लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं और सभी के द्वारा खूब मजेदार कमेंट भी किए जा रहे हैं। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में नहीं मिला कोरोना मरीज। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 47,361 कोरोना वायरस जांच सैंपल किए गए, जिसमें एक भी नए केस सामने नहीं आए। वहीं वैसे लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। इसके बाद वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केस की कुल संख्या 9 हो गई है। बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 98.553 है। इस बात की जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्वीट शेयर कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमृत के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अभी राज्य में जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग IGIMS में कराना सुनिश्चित कराया जा रहा है। बिहार में अभी एक हफ्ते तक ठंड रहने के आसार। बिहार में ठंड लगातार अपना पांव पसारते जा रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आने से सूबे के 9 शहरों में भीषण शीत दिवस के हालात देखे गए। बता दें कि पटना, गया व मुजफ्फरपुर समेत 8 शहरों में बीते दिन शनिवार को शिमला से भी अधिक ठंड देखने को मिला। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, फारबिसगंज, सबौर, मोतिहारी जैसे शहरों में अगले 2 दिनों में ठंड जैसे हालात बने रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी सुबह में करीब एक हफ्ते तक ठंड से लोगों को विशेष राहत मिलने के आसार नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 मैच में ही दे दी थी चेतावनी। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के दूसरे T20 मैच में 16 रन से हारने के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले सूर्य कुमार यादव ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि ग्रेट फाइट टुनाइट और हम राजकोट में बाउंस बैक करेंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की चेतावनी को श्रीलंका की टीम समझ नहीं पाई और सूर्य कुमार ने जो कहा था वह राजकोट में करके दिखा दिया। बता दें कि उन्होंने बीते दिन के श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे T20 सीरीज के आखिरी मैच में 51 गेंद पर 112 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया की जीत की नींव रख दी। बताते चले कि उन्होंने इस पारी में 7 चौके और 9 छक्के लगाए। वही मैच खत्म होने के बाद सूर्या ने लिखा भी कि इस साल की सही शुरुआत। मालूम हो कि वह इस मैच में भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने केवल 45 गेंद में अपनी सेंचुरी पूरी की थी। पर्यटक 2 घंटे तक MV गंगा बिहार से कर सकेंगे गंगा के शहर।
बीएसटीटीसी के एक अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2016 से तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जहाज एमवी गंगा बिहार अब पूर्ण रूप से तैयार होकर और भी आकर्षक रूप में कोलकाता से पटना बुला ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस जहाज का उद्घाटन 14 जनवरी के बाद होने की संभावना है, जिसके बाद पर्यटक 1.5 से 2 घंटे तक इस जहाज में बैठकर गंगा की सैर का मजा ले सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जहाज में पर्यटकों के लिए रेस्टोरेंट की भी सुविधा मुहैया कराई गई है। वहीं इस जहाज में एक बार में 100 लोगों के जाने की क्षमता है। अब आप घर बैठे जमा कर सकेंगे टैक्स। बिहार राज्य के अंदर होल्डिंग टैक्स जमा करना काफी आसान होने वाला है। बता दें कि अब लोग सिर्फ एक क्लिक करके जिस तरह बिजली बिल जमा करते हैं, ठीक उसी तरह होल्डिंग टैक्स भी जमा कर सकेंगे। बिहार सरकार के द्वारा इसके लिए फैसला ले लिया गया है। दरअसल साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सहयोग से नगर निगम होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए एक ऐप की तैयारी कर रही है, जिसके बाद केवल एक टैब से लोग अपनी होल्डिंग टैक्स को जमा कर पाएंगे। बता दें कि इस ऐप के निर्माण के बाद लोगों को काफी सुविधा मिलने वाली है। लोग बैठे ही अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर पाएंगे। सुधाकर सिंह के गढ़ में जाकर बोले उद्योग मंत्री। बीते दिन बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने सुधाकर सिंह द्वारा लगातार नीतीश कुमार पर हमला करने के मामले को लेकर अपना हमला करते हुए कहा कि सबकी अपनी भाषा है और जानकारी है। हम लोग कहते हैं कि इस तरह का कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए जिससे आपसी भाईचारा को खतरा हो। आपके महागठबंधन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए जनता का दिल जीतने का काम करना चाहिए, जिससे कि जनता के बीच मैसेज गलत नहीं जाए। अगर कोई गलत चीज खाएंगे और जानबूझकर खाएंगे तो सेहत खराब होगा ही। इस मामले पर पार्टी के लोग समझ रहे हैं और वही सोच समझ कर इसका फैसला करेंगे। जातीय जनगणना का श्रेय लेने की मची होड़। एक तरफ बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है तो वहीं दूसरी ओर सभी दल के नेता इसका श्रेय लेने के लिए होड़ लगाए बैठे हैं। वहीं अब पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा हमेशा जातीय जनगणना के पक्ष में रही और 2 जून 2022 को बिहार में जातीय जनगणना कराने का कैबिनेट का फैसला भी उस सरकार का था जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा के थे। यह सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बताएं कि जब भारतीय जनगणना शुरू कराने का फैसला 2022 में दिया गया था तो यह काम 7 महीने देर से जनवरी 2023 में क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सिर्फ इसका श्रेय लूटने की कोशिश करना चाह रही है। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बोधगया में समापन पर राहुल गांधी भी होंगे शामिल। बीते दिन भारत जोड़ो यात्रा बिहार के बांका जिले के अमरपुर पहुंची, जहां जगह जगह लोगों ने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं अखिलेश ने कहा कि बोधगया में यात्रा के समापन पर राहुल गांधी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की मदद से कांग्रेस पार्टी देश के नौजवानों, बेरोजगारों एवं किसानों की समस्या को समाधान करने, संविधान की रक्षा करने और सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की लड़ाई लड़ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी बातें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह के द्वारा अमरपुर बस स्टैंड पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कही गई। जातीय जनगणना को लेकर प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना को राजनीतिक स्टंट बताते हुए नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार सिर्फ राजनीति करने के लिए जनगणना करा रही है, क्योंकि जनगणना केंद्र का विषय है इसलिए इसका वैधानिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई जातियां समूहों को बेवकूफ बनाने के लिए विभिन्न कैटेगरी में रखकर केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे माना नहीं। इसलिए वैधानिक आधार के बारे में नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार इस पर कोई सवाल भी नहीं कर रहा है और न ही नीतीश कुमार की सरकार कुछ बोल रही है। सीएम नीतीश का ऐलान, जातीय जनगणना के बाद आर्थिक जनगणना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने समाधान यात्रा के दौरान बीते दिन वैशाली में घोषणा की गई कि बिहार में जातीय गणना के बाद आर्थिक गणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद ही यह पता लगाया जा सकेगा कौन अमीर है और कौन गरीब। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन की समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने गृह स्वामी शिवशरण पासवान और मनोज पासवान के घर के पास खंभे पर एक नंबर लिखकर जातीय जनगणना का शुभारंभ करवाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जातीय जनगणना के पहले चरण में केवल मकानों की गिनती की जाएगी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वही पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर
निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेंद्र कुमार, मृत्युंजय कुमार, कुश कुमार यादव, उमेश ऋषिदेव, नुन्नू गोलू कुमार, कुमारी संजना, सादुल्लाह पलवी, मंगिता भारती, मोहम्मद नौशद राजा, मुन्ना राय, मोहम्मद साकिर हुसैन, रंजीत यादव, संजीव सिंह, अंकुश देहाती, रोहित कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार एमवी गंगा बिहार की शुरुआत होने से बिहार में गंगा पर्यटन को कितना बढ़ावा मिल सकेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।